हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ यशश्री भावे और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने इसे सब्सक्राइब किया है उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। अभी तक हमने देखा कि स्टार मेकर से कुछ जुड़ी हुई हमने कुछ बातें की जो स्टार मेकर से जुड़ी हुई थी। आज हम कुछ अलग टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। वो टॉपिक है संगीत से जुड़ा हुआ। हर एक गाने में, हर एक किसी भी गाने में शब्दों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि हर एक वर्ड जिसे हम बोल सकते हैं, वर्ड बोल सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं, उसका उच्चारण सही ढंग से हो तो वो गाना डेफिनेटली बेहतरीन होता है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे थोड़ी बातें शेयर करना चाहूँगी। बहुत से ऐसे कुछ गाने होते हैं जिसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेशली उसी फॉर्म में हमको, जिनका उच्चारण करना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगी। जैसे एक गज़ल है, गज़ल, देखिए गज़ल ये वर्ड भी देखो कैसा है, गज़ल, ऐसे ही इसको प्रोनाउंस करना है। बहुत से लोग इसको गज़ल बोलते हैं, कोई झ को डबल जेड का ऐसा उच्चारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमको गजल बोलना है, गजल। तो मैं बताना चाहूँगी, जैसे गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये एक बहुत ही मशहूर गजल है जगजीत सिंह साहब की और लता मंगेशकर जी की। तो बहुत से सिंगर्स इसे गाते वक्त उसके शब्दों का प्रयोग बहुत बार कुछ थोड़ा बहुत गलत तरीके से होता है। जैसे एक्चुअल उसका जो उच्चारण होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा गुनगुना के बताना चाहूंगी। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना वर्ड आए हैं। देखिए आप, गम का खजाना नजराना, इसे हमको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। कोई लोग गम का खजाना बोलते हैं, गम का खजाना बोलते हैं, तो गम यानी तो वो जो चिपकाने वाला जो गम हो गया ना, वो हो जाएगा। तो हमको इसे प्रॉपरली उसी ढंग से प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण करना है। गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा भी। तो बस ऐसी कुछ छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपके लिए लेके आऊँगी हमारे अगले टॉपिक पे। तब तक आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।